जबलपुर शिवसेना ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां पंजाब में धरने पर बैठे हिंदूवादी नेता की सरेराह गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को फांसी देने की मांग की है। जहां शिवसेना अध्यक्ष थाड़ेश्वर महावार ने कहा कि जिस प्रकार से पंजाब में धरने पर बैठे हिंदूवादी नेता को सरेराह पुलिस प्रशासन के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस प्रशासन देखता रहा, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की इस वारदात में मिलीभगत है, जिसके कारण यह हत्या हुई। ज्ञापन के माध्यम से शिवसेना हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की है, तो वहीं दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग शिवसेना द्वारा की गई। सर, पंजाब में हमारे हिंदूवादी नेता सुधीर सूरी जी, जो भगवानों का अपमान, जिन घृणित सोच विचारधारा के लोगों ने किया, उनके खिलाफ़ वो धरने पर बैठे रहे और पुलिस प्रशासन और पुलिस के अधिकारी, वो भी AK-47 लेकर के वहाँ खड़े रहे। उसके बावजूद घटना करने वाला, जिसने निंदनीय कार्य किया, वो घटना को अंजाम दे करके चला गया और पुलिस प्रशासन अपनी AK-47 लेकर के खड़ी रही। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि घटना को अंजाम देने वाला पुलिस के साथ उसकी मिलीभगत थी।